आजकल कम बोल रहा है, मगर कहीं पहुंच है जो पूछ रहे। हम लोगों को बोलना है, अपनी बात बोलना, चाहे उसको पब्लिसिटी लोग दें या नहीं दें, अपनी बात करना चाहिए। लेकिन बिना मतलब का दूसरों पर प्रतिक्रिया, कोई अनाप शनाप बोल रहा उसको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए और देख लीजिएगा कि इस तरह की बात बोल बोल करके पब्लिसिटी प्राप्त करके कोई अपना जिसको कहिए गलतफहमी का शिकार हो जाता है, उसका तो जो बुरा हाल होने वाला है चुनाव के बाद उसकी कल्पना भी नहीं कर रहे। माफ करिएगा, आप उनको भी कल्पना नहीं क्षमा करिएगा। हम जानते हैं सब लोगों को, हम किसी की आलोचना नहीं करते, जो करना है वो कर रहे। आप पीछे हम सब की इज्जत करते हैं, सामने सब की इज्जत करते हैं। आज मीटिंग चल रहा है, आप लोगों की दिलचस्पी हुई, खोज रहे हुए जरा पूछूंगा और माँ बोला उस पर क्या कमेंट हुआ, कुछ आपस अंदर में कुछ चल रहा है क्या, एलायंस में खचपच है क्या, यही सब सोचते होंगे। तो जान लीजिए कहीं कोई खचपच नहीं है। खचपच करने वाला बुरे हाल में जाएगा, जो भी खचपच करना चाहेगा वही बुरे हाल में जाएगा। हम लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। हम लोग मिलकर काम करते हैं और अपनी तरफ से मिलकर काम करेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे और एकजुट होकर समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाकर करेंगे। और एक चीज हम पुनः आपको कह रहे हैं कि हम लोगों का किसी भी प्रकार का समझौता न क्राइम से हो सकता है, न करप्शन से हो सकता है, न कम्युनलिज्म से हो सकता है। हमारा जीरो टॉलरेंस इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिहार के लोगों ने मौका दिया है और जो मौका दिया है सेवा करने का, हम इसको नहीं भूल सकते। और बाकी तो आप जानते हैं, बड़े पैमाने पर जो कुछ भी सात निश्चय का काम हो गया उसके अलावा समाज, ये जून महीने के बाद से जब से हम लोगों ने शुरू किया, 7 जून को 8 जून को सदस्यता अभियान, सदस्यता अभियान चलाते हुए सब कुछ करते हुए अब आज प्रदेश स्तर का निर्धारित तिथि पर चुनाव हो गया और सदस्य भी पुराने नहीं, नए और बहुत ज्यादा बन गए, बहुत लोग बने। इन्हों का लक्ष्य था 50 लाख, अब 50-50 लाख से काम चलने वाला नहीं है, इन्हों का लक्ष्य बहुत आगे जाने वाला। तो ये विशेष तौर पर बधाई देता हूं और पुनः पुनर्निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महोदय वशिष्ठ भाई को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।